हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स सिक्स क्लास, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, सभी स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज होगी ये वीडियो, आप सभी के लिए, स्पेशली टेंथ क्लास स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि टेंथ क्लास स्टूडेंट्स बाहर जाकर एग्ज़ाम लिखना होता है और सिक्स टू नाइन्थ स्टूडेंट्स अपने होम एग्ज़ाम्स लिखते हैं, आप सभी अपने टीचर्स के सामने अपने स्कूल में होते हैं, लेकिन टेंथ क्लास वाले स्टूडेंट्स एक अलग एनवायरनमेंट में आपको एग्ज़ाम लिखना होता है। तो एंड तक देखिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। देखिए, अभी तक जितना भी आपने टाइम वेस्ट किया है, जून से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, जून, अभी चल रहा है अगस्त, तो जून, जुलाई, अगस्त, थ्री मंथ्स, अगस्त थ्री मंथ्स है हमारे पास, ठीक है। हमारी पढ़ाई स्टार्ट होकर, हमारा एजुकेशन स्टार्ट होकर थ्री मंथ्स नियरली होंगे। अगस्त अभी चल रहा है, टू मंथ समझिएगा, टू मंथ ले लेंगे हम। टू मंथ में एटलीस्ट कम से कम मैथमेटिक्स में थ्री चैप्टर्स, फिजिक्स में थ्री चैप्टर्स, बायोलॉजी में थ्री चैप्टर्स, या बायोलॉजी में वन चैप्टर समझिए, या तेलुगु में दो लेसन समझिए, इंग्लिश में दो लेसन समझिए, उर्दू में जो लेसन, एक गेस के तौर पर हम समझेंगे। हमारे एग्जाम्स क्वार्टरली या S7 होने वाले हैं, और वहां तक के लिए आपको सिलेबस मैक्स में रहेगा 8 चैप्टर्स एटलीस्ट। तो हमारे पास अगस्त सितंबर तक टाइम है, हमारे पास सितंबर तक। उसी तरह फिजिक्स में, मतलब बोलने का ये चाहता हूं मैं, अगर अभी तक आपने अपना टाइम वेस्ट किया है तो अभी जागिए, अभी सोचिए, अभी आप रिसर्च कीजिए कि जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल बनिए कि अभी तक जितना हमने टाइम वेस्ट किया है अब हमको वेस्ट करना नहीं। क्योंकि देखिए, एक लेसन हो गया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद किए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स इसके आंसर्स याद किए होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बिल्कुल नील भी होंगे, याद ही नहीं किए, जस्ट स्कूल में अटेंड किए, टीचर लेसन पढ़ा दिए, ख़त्म, छोड़ दिए, नोट्स कंप्लीट कर लिए, लिख दिए। पहले से आपको स्टार्टिंग से एक ही चीज का मैं फोर्स कर रहा हूं, किसी का बना हुआ मटेरियल यूज मत कीजिए, ठीक है। आपको मटेरियल बनाना नहीं आता, आप यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, यूज कीजिए, लेकिन उस मटेरियल को अपने नोट्स में लिख लीजिए। लिखना बहुत ही जरूरी है, राइटिंग बहुत ही जरूरी है। जब आप अपने स्कूल में एक लेसन सुनते हुए, लेसन को अंडरस्टैंड करते हुए नोट्स अगर प्रिपेयर करते हैं तो समझ जाइए कि आपको लेसन का कॉन्सेप्ट या लेसन अच्छी तरह आपको समझ आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेसन समझ नहीं आया तो समझिए कि नोट्स बनाना भी आपको नहीं आता। अब आपको डिपेंड रहना पड़ेगा मॉडल पेपर्स या क्वेश्चन बैंक या फ्रेंड्स के नोट्स पर, फ्रेंड्स के नोट्स पर, इस पर आपको डिपेंड रहना है। अगर मॉडल पेपर अगर आपको याद करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के लिए लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो 3 महीने कंप्लीटली इसको देना होगा। वैसे तो डरिए मत, मैं भी जनवरी, फरवरी, मार्च मॉडल पेपर से आपको कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट मटीरियल के साथ। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 2015 से जो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, सारे धीरे धीरे करते सारे अपलोड करूंगा। फिजिक्स, बायोलॉजी, जितने पूरे सब्जेक्ट अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वैसे तो हमेशा करता हूं, आप वहां तक तो निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरा बोलना यह है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 महीने आपने जो टाइम वेस्ट किया है उसको कवर करना है, क्योंकि S7 तक का जो टाइम, जो आपका सिलेबस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, 70% सिलेबस यही रहेगा आपको, जस्ट 30% सिलेबस आपको S7 के बाद रहेगा।
तो 70% मतलब नियरली नियरली आपके पासिंग नहीं, फर्स्ट डिवीजन 70% मार्क्स का आपको यहीं पर आप लिख सकते हैं, मतलब 60 कम से कम 60-80 आउट ऑफ 60 मार्क्स तो आपको यहाँ पर आपको ला सकते हैं, अगर इन सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे या क्वार्टरली तक आप एसए वन तक सबमिटिव असेसमेंट वन तक अच्छी तरह आप मेहनत करेंगे। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, देखेंगे हम एग्ज़ाम आने दो जब पढ़ लेंगे, खेलने में टाइम वेस्ट करते हैं, गेम्स खेलने में टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ अपना टाइम बिताते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो एनुअल का रास्ता धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको मार्क्स अच्छे होना चाहिए, हमको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होना चाहिए, फला स्टूडेंट है उससे ज़्यादा मैं लाऊंगा, ये मेरे क्लास में हमेशा फर्स्ट आ रहा है उससे ज़्यादा मैं लाऊंगा। तो माई डियर स्टूडेंट, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अब एक हिरण है, हिरण और शेर है, तो हिरण को क्या करना पड़ेगा, शेर से तेज भागना पड़ेगा। क्यों? अगर शेर से स्लो भागेगा तो शेर उसको खा जाएगा, और शेर को हिरण से तेज भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हिरण से स्लो होगा तो शेर भूखा रह जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह याद रखीजिए, हिरण को शेर से तेज भागना पड़ेगा अगर बचना चाहता है, अगर शेर को हिरण से तेज भागना है क्योंकि अगर वो खाना चाहता है, तो ये दोनों में कॉम्पिटिशन। उसी तरह हमारे लिए भी, जो हमारा अगला स्टूडेंट्स है जो हमारी क्लास में अच्छा पढ़ता है, उसके लिए हमारा टारगेट बना लेना है, उसको हमारा कॉम्पिटिटर बना लेना है। ठीक है, इन्हों जो पढ़ रहे हैं उससे मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, ये कॉम्पिटिशन आप में रहना है और उसके हिसाब से मेहनत भी आपको करना है। मैं जानता हूँ स्कूल में आपको टाइम शायद बहुत ज़्यादा स्पेंड करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को स्पेशल क्लासेस होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशंस भी लेते हैं। मेरे चैनल पे आपको मैथमेटिक्स तेलुगु तो आसानी से मिल जाएगा बिना कोई ट्यूशन के। आप एक 15 से 20 मिनट देंगे तो मेरे चैनल से आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आप तो देखते नहीं। खैर, उस बात पे हम नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको 90% 95% मार्क्स चाहिए, सोचना है कि अभी से मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ जाऊंगा, मंजिल तक पहुंचूंगा। एक एक सीढ़ी क्या है, जून का सिलेबस जून में ही आपको पढ़ना है, जुलाई का सिलेबस आपको जुलाई में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त, उसके बाद अगस्त आएगा तो अगस्त का अगस्त में पढ़ना है, सितंबर आया तो सितंबर का सितंबर में ही आपको पढ़ना है। तभी जाकर आपको लास्ट के जो 3 महीने या 2 महीने, 3 महीने जो मिलेंगे, इसमें आपको मॉडल पेपर्स प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। मॉडल पेपर अच्छी तरह बिना कोई टेंशन के प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना यहाँ पर टाइम अगर वेस्ट कर दोगे तो ये मॉडल पेपर्स आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, प्रेशर आपको बढ़ता जाएगा। आप सोचते रहेंगे कि फला सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, फला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, दिमाग आपका ख़राब होता जाएगा, बर्डन बढ़ता चले जाएगा, वो बर्डन के चक्कर में कोई भी सब्जेक्ट आपको याद नहीं रहेगा। क्या कीजिए, सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में बांटिए, 3 पार्ट्स में बांटिए। 3 पार्ट्स में आप सब्जेक्ट को बांटते हैं, इजी सब्जेक्ट कौन से है आपके और मॉडरेट कौन से है, मॉडरेट सब्जेक्ट कौन से है, टफ सब्जेक्ट कौन से है, बांटिए। इजी सब्जेक्ट को कुछ दिनों के लिए साइड में रखिए, या हो सका तो वीक में वन टाइम कभी कभी आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मॉडरेट जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए, टफ सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स तक ये सब्जेक्ट को, टफ सब्जेक्ट आपके लिए इजी होना चाहिए, मॉडरेट भी आपको इजी होना चाहिए। ऐसा है कि आप एग्जाम्स तक जाने से पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, ये एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अब बाकी का आप पर डिपेंड रहता है। आप कितनी मेहनत करोगे, कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, या मेरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, कुछ अगर डाउट रहा तो कमेंट कर सकते हैं। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं, आपको फोर्सफुल्ली पढ़ा तो नहीं सकता, आपको फोर्स भी नहीं कर सकता। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो थोड़ा भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा भी प्रैक्टिकली करते हैं तो लोगों का बेहतर होगा।
अगर आप देखकर ईज लेते हैं, लाइट लेते हैं, तो आप पर निर्भर करता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक जो टाइम आपका वेस्ट हुआ है उसको सेव करना है, तो अभी तो आप स्टार्ट करने कर दीजिए अपनी स्टडीज़। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। अगर कुछ और डाउट रहा तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।